अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम सभी लोगों को आने वाली M1887 गन स्किन के अंदर सिंगल डैमेज के साथ डबल रेट ऑफ फायर देखने को मिलेगा तो क्या आप मानोगे? मैं नहीं मानता। भाई आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपनी दोनों ही M1887 गन स्किन का कंफर्म इवेंट, कंफर्म डेट और साथ ही साथ उसके एट्रीब्यूट की 100% डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या आप लोगों को पता है कि अपनी दोनों M1887 गन स्किन में कौन सी गन स्किन बेस्ट होने वाली है? तो वो आज आप सभी लोगों को एकदम 100% डिटेल में वीडियो में पता चल जाने वाला है। साथ ही साथ क्या आप लोगों को पता है कि अपनी कौन सी M1887 गन स्किन के ऊपर आप सभी लोगों को अपने डायमंड को वेस्ट करना चाहिए? तो यार आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को सभी कुछ एकदम 100% डिटेल में पता चल जाएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आज के इस वीडियो में लगता है सो प्लीज से प्लीज कमेंट जरूर से कर देना, क्योंकि आप लोगों की कमेंट को पिक करके अपने नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों के आंसर देने वाला हूँ। सो प्लीज से प्लीज कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई प्लीज से प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे जरूर से सेट कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो यार वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने गोल्डन साइन M1887 गन स्किन के कंफर्म इवेंट के बारे में। और आप सभी लोगों को बता दें हम लोगों को जो अपनी गोल्डन साइन M1887 गन स्किन है वो एक कोलैबोरेशन के थ्रू अपने फ्री फायर में देखने को मिलने वाली है। और आप लोग जानते होंगे कि अपनी कोई भी कोलैबोरेशन की आइटम होती है वो हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा हाई रेटेड इवेंट के अंदर देखने को मिलती है। तो अगर बात करें अपने गोल्डन साइन के इवेंट के बारे में तो यार ये हम सभी लोगों को अपने लेजेंडरी रॉयल के अंदर देखने को मिलने वाली है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि अपने फ्री फायर में लगभग अभी बहुत सारे कोलैबोरेशन आ चुके हैं और हर कोलैबोरेशन की जो सबसे ज्यादा लेजेंडरी चीज होती है वो हम लोगों को अपने लेजेंडरी रॉयल के अंदर देखने को मिलती है। तो आप लोगों को बता दें ये अपनी गोल्डन साइन M1887 गन स्किन अपने लेजेंडरी रॉयल के अंदर देखने को मिलने वाली है। और आपको बता दें अपने फ्री फायर का सबसे ज्यादा महंगा इवेंट अपना लेजेंडरी रॉयल ही है, तो इसके अंदर हम सभी लोगों के काफी ज्यादा डायमंड तो वेस्ट होंगे ही। तो आप लोगों को इवेंट के बारे में एकदम डिटेल में तो पता चल ही गया होगा कि जो अपनी गोल्डन साइन M1887 गन स्किन है वो हम सभी लोगों को अपने यार लेजेंडरी रॉयल मतलब कि टोकन टावर इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाली है। और शायद ही किसी बंदे को अब ये डाउट रह गया होगा कि हमारी गोल्डन साइन M1887 गन स्किन किस इवेंट के अंदर आने वाली है। हम लोग अभी बात कर लेते हैं जो अपनी गोल्डन साइन M1887 गन स्किन हम सभी लोगों को आखिरकार किस कंफर्म डेट को अपने फ्री फायर में देखने को मिल जाएगी। और आप सभी लोग कंफर्म डेट को लेकर काफी ज्यादा डाउट में हो तो आप लोगों को बता दें जो अपनी गोल्डन साइन M1887 गन स्किन है वो हम सभी लोगों को अपने अक्टूबर मंथ के लास्ट वीक में देखने को मिलने वाली है, मतलब कि जब अपना OB30 का अपडेट आने वाला होगा। सो हम सभी लोगों को करेक्ट एक वीक पहले अपनी ये गोल्डन साइन M1887 गन स्किन अपने फ्री फायर में देखने को मिलने वाली है। और अभी आप लोग कहोगे कि यार तुमको कैसे पता? तो भाई लोग आपको बता दे, आप लोग जानते हो कि जो अपनी हैंड ऑफ होप वाली जो अपनी M1887 गन स्किन थी वो हम सभी लोगों को अपने OB28 के मतलब जस्ट 1 वीक पहले देखने को मिला था। तो आप लोगों को बता दे जो अपना OB30 का अपडेट आएगा सो उससे 1 वीक करेक्ट पहले हम सभी लोगों को अपनी गोल्डन साइन देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अपने अगस्त मंथ में तो अपना एनिवर्सरी वाला इवेंट चलने वाला है और बचा अपना अक्टूबर मंथ। तो अक्टूबर मंथ में हम सभी लोगों के एकदम लास्ट वीक के अंदर अपना ये गोल्डन साइन हम सभी लोगों को अपने फ्री फायर में देखने को मिल जाएगा। सो आप सभी लोगों को ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार अपनी जो गोल्डन साइन M1887 गन स्किन है वो हम सभी लोगों को आखिरकार किस कंफर्म डेट को अपने फ्री फायर में देखने को मिल जाएगा। अभी बात कर लेते हैं अपनी गोल्डन साइन M1887 में हम सभी लोगों को आखिरकार क्या एट्रीब्यूट देखने को मिलने वाला है। और आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि अभी अपनी गरेना की तरफ से कोई भी एट्रीब्यूट रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन हाँ हम लोग अपनी गोल्डन साइन का एक एनालिसिस लगा सकते हैं कि हम लोगों को इसके अंदर क्या एट्रीब्यूट देखने को मिल सकता है। तो भाई लोग इसका फर्स्ट पॉसिबल एट्रीब्यूट तो ये निकल के आ रहा है कि हम लोगों को इसके अंदर सिंगल डैमेज के साथ या रेट ऑफ फायर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोगों की जो अपनी गोल्डन साइन गन स्किन होने वाली है ये अपने फ्री फायर की काफी ज्यादा लेजेंडरी और अपनी M1887 गन स्किन में सबसे ज्यादा लेजेंडरी गन स्किन होने वाली है। तो इसके अंदर एक पहला पॉसिबल अपना एट्रीब्यूट ये निकल के आ रहा है कि हम सभी लोगों को इसके अंदर सिंगल डैमेज के साथ या रेट ऑफ फायर प्लस में देखने को मिल सकता है। और अपना सेकंड मतलब पॉसिबल एट्रीब्यूट ये भी निकल के आ रहा है कि इसके अंदर हम सभी लोगों को डबल डैमेज के साथ यार एक्यूरेसी प्लस में सिंगल देखने को मिल सकती है। ये भी एक पॉसिबल हम लोगों के एट्रीब्यूट निकल के आ रहे हैं, क्योंकि यार रेट ऑफ फायर के साथ अपनी एक्यूरेसी काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो हम सभी
लोगों को अपनी यार मतलब गोल्डन साइन M1887 गन स्किन के अंदर डबल डैमेज के साथ यार सिंगल एक्यूरेसी प्लस में भी देखने को मिल सकती है। तो यार अभी एकदम फुल क्लियर नहीं कर सकता अपनी तरफ से, लेकिन हाँ इसकी एक एनालिसिस लगाई जा सकती है कि अपनी ये लेजेंडरी गन स्किन के अंदर हम सभी लोगों को क्या एट्रीब्यूट देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट बताना कि आपको क्या लगता है अपनी गोल्डन साइन गन स्किन के अंदर हम सभी लोगों को आखिरकार क्या एट्रीब्यूट देखने को मिलने वाले। अभी बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट M1887 गन स्किन के बारे में, जिसका नाम फ्रीजिंग फ्लेम होने वाला है। और इस गन स्किन के अगर कंफर्म इवेंट की बात करें तो यार ये गन स्किन हम सभी लोगों को अपने रोल एंड डाइस इवेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। और अभी आप लोग कहोगे कि यार आपको कैसे पता कि अपने ये रोल एंड डाइस इवेंट में ही देखने को मिल सकती है, तो आपको बता दें लगभग 1 ईयर होने वाला है और अपना रोल एंड डाइस इवेंट अपने फ्री फायर में अभी तक का रिटर्न में देखने को नहीं मिला है। तो काफी ज्यादा पॉसिबल चांसेस ये निकल के आ रहे हैं कि अपनी फ्रीजिंग फ्लेम M1887 गन स्किन हम सभी लोगों को अपने रोल एंड डाइस इवेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। और एक पॉसिबल चांस ये भी निकल के आ रहा है, अगर हम लोगों को ये रोल एंड डाइस इवेंट के अंदर देखने को नहीं मिली तो फ्री फायर हम सभी लोगों को एकदम ब्रांड न्यू इवेंट बना के दे सकता है, जिसमें हम सभी लोगों के और भी बहुत ज्यादा डायमंड खर्च हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डायमंड खराब हो सकते हैं। तो यार इसका पॉसिबल सबसे पहले तो इवेंट यही निकल के आ रहा है कि ये हम सभी लोगों को अपने रोल एंड डाइस इवेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा यार आप लोगों को गरेना फ्री फायर शायद से कोई न्यू इवेंट भी बना के दे सकती है, तो इसके लिए आप लोगों को यही लीक दे सकता हूँ कि हम लोगों को रोल एंड डाइस इवेंट के अंदर ही देखने को मिल सकता है। तो देखो भाई अभी बात कर लेते हैं अपनी फ्रीजिंग फ्लेम M1887 गन स्किन के कंफर्म डेट के बारे में। तो अगर इसकी कंफर्म डेट की बात करें तो ये हम सभी लोगों को अपने अगस्त मंथ के अंदर ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि अक्टूबर मंथ में हम सभी लोगों को अपनी गोल्डन साइन M1887 देखने को मिलने वाली है। तो अभी बचा अपना अगस्त का मंथ, तो हम सभी लोगों को अपनी ये फ्रीजिंग फ्लेम M1887 गन स्किन अपने अगस्त मंथ में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अपना एनिवर्सरी फ्री फायर का जो 4th एनिवर्सरी है वो अपना अगस्त के मंथ में ही बनाया जाएगा। और काफी ज्यादा पॉसिबल चांसेस ये निकल के आ रहे हैं कि हम सभी लोगों को अपनी फ्रीजिंग फ्लेम M1887 गन स्किन अपने यार 4th एनिवर्सरी में किसी भयंकर वाले इवेंट के अंदर दिया जा सकता है। और काफी ज्यादा नहीं मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबल चांसेस है कि अपनी फ्रीजिंग फ्लेम M1887 गन स्किन हम सभी लोगों को अपने एनिवर्सरी इवेंट के अंदर ही देखने को मिल सकती है। बट हाँ, ये फ्री में देखने को नहीं मिलेगी, इसमें हम सभी लोगों के काफी ज्यादा डायमंड भी उड़ सकते हैं। और आप सभी लोगों को शायद से अपने एनिवर्सरी मतलब कि 4th एनिवर्सरी फ्री फायर में हम लोगों को अपने ये फ्रीजिंग फ्लेम M1887 गन स्किन देखने को मिल सकती है। तो आप लोग बताना कमेंट में कि आपको क्या लगता है। लोग अभी बात कर लेते हैं अपनी फ्रीजिंग फ्लेम M1887 गन स्किन के पॉसिबल एट्रीब्यूट के बारे में। और आप लोगों को बता दें अभी अपने फ्री फायर में इसका कोई भी एट्रीब्यूट को लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन केवल इसका एक एनालिसिस लगाया जा सकता है कि हम सभी लोगों को अपने फ्रीजिंग फ्लेम M1887 गन स्किन के अंदर क्या एट्रीब्यूट देखने को मिल सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉसिबल एट्रीब्यूट ये निकल के आ रहा है कि हम सभी लोगों को इसके अंदर भाई मतलब कि सिंगल एक्यूरेसी के साथ रीलोड स्पीड देखने को मिल सकती है। जी हाँ भाई, ये पॉसिबल बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट निकल के आ रहा है कि हम सभी लोगों को इसके अंदर एक्यूरेसी के साथ यार मतलब कि रीलोड स्पीड देखने को मिल सकती है, या फिर हम सभी लोगों को इसमें रीलोड स्पीड के साथ यार मतलब कि रेंज देखने को मिल सकती है, मतलब कुछ भी हम लोगों को इसके अंदर एट्रीब्यूट देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, अपनी गोल्डन साइन से काफी ज्यादा बेकार एट्रीब्यूट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अपनी गोल्डन साइन जो है वो एक लेजेंडरी गन स्किन होने वाली है और उसमें हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा ओपी एट्रीब्यूट देखने को मिल सकते हैं। तो भाई लोग ये मान के लिख लीजिए हम सभी लोगों को इसके अंदर शायद से हम लोगों को एक्यूरेसी के साथ रेंज में देखने को मिल सकता है प्लस। तो आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है कि हम लोगों को ये एट्रीब्यूट देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। भाई लोग एट लास्ट हम सभी लोग ये बात कर लेते हैं कि अपनी दोनों ही M1887 गन स्किन में हम सभी लोगों को कौन सी गन स्किन बेस्ट देखने को मिलने वाली है। तो आप लोगों को बताओगे जो अपनी गोल्डन साइन है वो एक लेजेंडरी गन स्किन होने वाली है, और जो अपनी फ्रीजिंग फ्लेम है वो भी एक लेजेंडरी गन स्किन है बट अपनी गोल्डन साइन से थोड़ी सी नीचे है। तो आप लोगों को बता दें जो अपनी गोल्डन साइन है वो सीधे से अपनी टॉप की गन स्किन बनती है, मतलब कि बेस्ट गन स्किन अपनी यार गोल्डन साइन बनने वाली है। और आपको इन फ्यूचर अपने फ्री फायर में सारी गन स्किन्स में M1887 की सबसे बेस्ट गन स्किन अपनी गोल्डन साइन ही देखने को मिलने वाली है। और एट लास्ट आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अपनी गोल्डन साइन के लिए आप सभी लोग अपने डायमंड को काफी ज्यादा संभाल के रखो, और जो अपनी फ्रीजिंग फ्लेम आएगी सो उसके ऊपर कम से कम डायमंड वेस्ट करने की कोशिश करना। और गोल्डन साइन हम सभी लोगों को अपने अक्टूबर के एट लास्ट मंथ में देखने को मिल सकती है। सो आप लोग बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो यार वीडियो को एक लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलो यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो और इवेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय।